पापा लग रहा है बिल्कुल योगी आदित्यनाथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं देहरादून और पापा चला रहे हैं बाइक। आज मैं बैठूंगा पीछे हेलमेट लेके। उतार लो, नीचे उतार लो। चलो तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं डोई वाला बैंक HDFC में, जिसमें मैं कल गया था और मैंने ना अपनी पासबुक में छोड़ दी थी। तो मैंने उसको बोला था शाम को लूँगा, बट मैं शाम को जा नहीं पाया, तो अब जा रहा हूँ। हमें सोचा इसी रास्ते चलते, नहीं तो हम तो पिछला रास्ता जो है ना देहरादून का वहाँ से जाते, बट अब हम जाएंगे डोई वाला से। अभी वहाँ से अपनी जो पासबुक है वो कैरी कर लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं देहरादून के लिए। यहीं साइड लगा लो कहीं। सो गाइस, हमने कलेक्ट कर ली अपनी पासबुक जो हमने HDFC बैंक में छोड़ी थी, सर देखे गए थे जिन्होंने छोड़ी थी। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा देहरादून। अब मैं राइड में कर रहा हूँ, चलो हम चलते हैं। क्या है ना कि पापा को BP की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, और हमने काफ़ी मेडिकेशन भी करा लिया है, और बीच में पापा बीमार भी हुए थे, तो उस वजह से थोड़ी जो कमजोरी है थोड़ी ज़्यादा है शरीर में। तो अभी हमने सोचा कि एक बार हिजामा करा के देख लेते हैं। जो हिजामा होती है ना कपिंग थेरेपी, जो मैंने भी कराई थी गुजरात में, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, तो हम सोच रहे हैं कि वो करवा लेते हैं। तो उसी के लिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है देहरादून में, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि कैसा होता है क्या। देहरादून और आपको ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो नहीं सकता भाई कभी। तो कहाँ कहाँ से निकल के जाना पड़ता है। चार पॉइंट आठ किलोमीटर है यहाँ से। अभी यहाँ से हमें यहाँ से सीधा जाना है। 2000 years later। तो भाई हमने डॉक्टर को दिखा दिया है, और डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ दवाइयाँ लिखी है यूनानी, और बाल काटने को कहा है थोड़ा बहुत इधर के। तो पापा सोच रहे हैं कि पूरे बाल ही करवा लेंगे, और देखते हैं अभी तो हम नाइन ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, इतना भीड़ लगे कितनी सारी। तो करवाते हैं पहले बाल बाल सफा, उसके बाद कराएंगे ट्रीटमेंट चालू, मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी बाल कट रहे हैं पापा के यहाँ पे, पापा बैठे हैं पूरे सफा कर देंगे पसंद से। अभी हमें ना पल्टन बाज़ार के पास है, और ये वाली शॉप है, यहाँ पे पापा ना हेड शेप करा रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स प्रेशर पॉइंट्स कवर करने हैं ना हमें, उसमें हमें पूरा हेड शेप करना पड़ेगा। और इधर वाले के पॉइंट्स होते हैं कुछ BP के पॉइंट, वो सारे कवर करने हैं। देखो अभी कितना ट्रैफिक आ रही है। ये है देहरादून भाई, यहाँ पे इतना ट्रैफिक ही रहता है खतरनाक हमेशा। तो गाइस, पापा के तो बाल हो गए बिल्कुल जीरो, पापा लग रहे हैं बिल्कुल योगी आदित्यनाथ। अभी हम ट्रीटमेंट चालू करवाएंगे, और उसमें कुछ प्रेशर पॉइंट्स कवर करवाएंगे। कह रहे हल्का हल्का लग रहा होगा ना। हल्का लग रहा है एकदम। अभी चलते हैं और करवाते हैं अपना काम। ओ भाई मार दी थी, कहीं पे भी मोड़ देते हैं भाई, खुद गया था वो वाला। चलते हैं अभी अंदर। तो गाइस, यहाँ पे अपना प्रोसीजर जो है हिजामा वेट कपिंग का, वो चालू होने वाला है, जिसमें कि हमारे डॉक्टर साहब हैं अभी ये चालू कर रहे हैं। उसके लिए हमने पापा का हेडशिप भी करा दिया है। हेडशिप कराना वैसे ज़रूरी नहीं है, पर हमने सोचा कि अगर कोई प्रेशर पॉइंट ऐसा होगा ना कि वो लग सकता है तो वो लग जाएगा। तो इसमें हम कुछ प्रेशर पॉइंट्स कवर करेंगे, इसमें हमारा BP के होंगे, और थोड़ा बहुत हमारे किडनी विडनी के और इसके भी होंगे। इसका जो हिजामा के दो माने होते हैं इसके मीनिंग के, जो इसका लफ्ज है हिजामा अरेबिक, एक मायना तो ये होता है कि सक करना, किसी को खींचना। एक दूसरा मायना होता है कि उसमें उसकी बॉडी की ओरिजिनल सेटिंग पे लेके जाना, बॉडी की टॉक्सिसिटी रिमूव करना, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना, बॉडी फिर नया ब्लड बनाती है। वैसे भी सर सारी जो बीमारियां वो ब्लड से रिलेटेड है, अगर ब्लड ही आपका पेरिफेरल हिजामा के थ्योरी के अकॉर्डिंग 70% जो डिजीजेस हैं वो बैड ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। हां वही सेम। तो ये हिजामा क्या करता है, इस पूरे प्रोसीजर में अपने कि आपका टॉक्सिसिटी रिमूव करके, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करके, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी एनर्जी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी वजह से लोगों को ये हिजामा करने वाला महसूस होता है हल्का भी किसी को थोड़ी देर में, कि उसको ना केवल उस परेशानी के लिए उसमें मदद मिलती है, और भी चीजों में वो बेनिफिट देखता है। डॉक्टर साहब लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे हमारे जिसमें स्कार्स बन जाते हैं बेड कपिंग में, वो कितने दिन में गायब हो जाते हैं?
डिपेंडिंग अपॉन द लाइक स्किन सेंसिटिविटी इट टेक्स लाइक 3 to 4 days वाटर इनटेक जितना अच्छा रहेगा उतना और साथ साथ अगर आप उसमें कुछ लगा भी रहे ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं हम प्रिफर करते हैं जितना एज हर्बल एज पॉसिबल तो पेटिटीन लगा सकते हैं आप तो गाइस ये वाले हमारे कप होते हैं ये डिस्पोजल होते हैं वन टाइम यूज होता है ये हाँ वही वन टाइम यूज होता है इससे क्या है ना आपके इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं पहले जो होती थी वो होती थी ग्लास वाले आते थे जो मैंने स्टार्टिंग में आज से 10 या 12 साल पहले करना सीखा था जी तो तब हम फायर कपिंग करते थे तो फायर कपिंग में तो ग्लास ही यूज होती थी उसके बाद जब मेरे फिर सामान यूएसए आता था इंडिया में तब इतना था नहीं इतना इसका प्रीवेलेंस तो बाद में धीरे धीरे होने लगा तो इजी हो गया करना जैसे सर बहुत यंगस्टर होते हैं ना उनको ज्यादातर कील मुहासे एक्ने और इन ज्यादा दिक्कतें ये रहती हैं ज्यादातर उसको तो बहुत अच्छा इसका हिजामा का रिस्पांस है उस तरह के केसेस में मतलब इसे फेस पे भी लगा सकते हैं ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल बल्कि अब तो हमारे जो फीमेल पेशेंट भी लेके जाते हैं उसको सेशन को क्लिक करते हैं जी तो उसमें क्या है कि मैंने जो अपने देखा है कि स्किन के केसेस में तो 2 से 3 दिन में ही लोगों को फर्क महसूस हो जाता है 2 से 3 दिन में जो भी निकलेगा वो इनएक्टिव निकलेगा है तो ही निकलेगा नहीं है तो नहीं निकलेगा असल में लोग सवाल भी पूछते हैं हमसे इसी वजह से कि अगर खून निकालना कोई इलाज है तो हम जो है ब्लड डोनेट भी करते हैं तो ब्लड डोनेशन में ये फर्क है कि आपका सिस्टम का ब्लड जाता है बिल्कुल वेंस का हाँ वेंस का इसमें नहीं होता इसमें लिम्फेटिक सिस्टम से हम जो है टारगेट करते हैं हाँ टारगेट करते हैं कि उसको वहां से बाहर निकालें लेकिन इसमें हम क्या करते हैं बॉडी हिजामा 2 तरीके से काम करता है एक तो बॉडी के सिस्टमेटिक पॉइंट जहाँ से बॉडी का लादा पड़ा कंट्रोल होती है और एक वहाँ पे लोकल एरिया जहाँ पे उसको पेन फील होता है तो ये जो पॉइंट्स हैं ये खासतौर से ये वाला और ये वाला ये हम इनको सुनना पॉइंट भी बोलते हैं जो पॉकेट में बंद है हमें बताएं ये मोस्ट सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं तो इसमें ये होता है कि हम इसका 4 इंच डीप इम्पैक्ट होता है और आसपास के एरिया से हम इसको इस तरह विड्रॉ अट्रैक्ट करते हैं बॉडी में आप कहीं भी हिजामा लगा सकते हो मगर कुछ शर्तों के साथ और कुछ हाँ कुछ और कुछ जगह ऐसे जहाँ आपको नहीं लगाना है बिल्कुल ज्यादा दर्द तो नहीं आपको नहीं इसे ज्यादा इंजेक्शन में लगता है हाँ बस इंजेक्शन तो एक बार में लग के हो जाता है ना यहाँ बार बार इंजेक्शन लगते हैं मगर ये पेन वैसा नहीं है ये गुदगुदी वाला पेन है टाइप का हाँ गुदगुदी टाइप में ही है जैसे और जो शिफा है ना हिजामा में इसी चीज में है जो मैं आपको कर रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हिजामा का तो तकलीफ तो नहीं हो रही आपको नहीं तो अभी हमारे कट्स लग चुके हैं और इस पर हमने दोबारा से कपिंग कर दी है तो अभी इसमें क्या है जो टॉक्सिक ब्लड है वो हमारा आउट आएगा जैसा दिख भी रहा होगा आपको तो ये जो क्वांटिटी का जो वेरिएशन है ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये बताता है कि हर बॉडी में उस बॉडी के हिसाब से ही काम करता है जहाँ कोई ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है कि 10 ml ही निकलना चाहिए इस पॉइंट से या 20 ml निकलना चाहिए जिसकी जैसी बॉडी है जिसका जैसा मर्ज है उसके अकॉर्डिंगली हिजामा अडेप्ट कर लेगा अपने आप को तो वैसे आप देख सकते हो ये जो निकला है ब्लड यहाँ से टॉक्सिन्स वाला कैसा आपको देखना है तो देखो ब्लड तो नहीं लगेगा अच्छा ये निकला है
कितना निकला था? 10 ml गाढ़ा होता है ये, गाढ़ा होता है ये, ज्यादा ही ना हो गई तो आपको फील हो रहा होगा थोड़ा लाइट अच्छा सा अभी। थोड़ा हल्का लग रहा है, आंखों में थोड़ा पहले भारीपन था, थोड़ा हल्का सा लग रहा है, रिलैक्स सा हो रहा है, कुछ मूड भी अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे हमने हिजामा करा लिया वेट कपिंग, इसके बाद में प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है? 24 घंटे के लिए प्रिकॉशंस, हैवी लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइज, दूध की बनी कोई चीज नहीं, नॉट इवन कप ऑफ टी, खट्टा कुछ, खट्टा भी नहीं खा सकते, खट्टा वट्टा तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बस ये कि ठंडा चल रहा है तो मौसम है तो बस आप अवॉइड कर लो। मेजर जो प्रिकॉशंस है, हैवी लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइज, और आपकी कोई अल्कोहलिक चीजें इस तरह की, और जो है टोबैको वगैरह, और जैसे धूल मिट्टी से बचाना है इसको कम से कम। वो तो खैर सेफ्टी साइड में वो बता कंटिन्यू कर ही रहा था, नहाना नहीं 24 घंटे के लिए, 12 से 24 घंटे के बीच में आपको देखना है कि जैसे पापड़ी वगैरह जमनी शुरू हो जाएगी तो नहा सकते हो, 12 से 24 घंटे के बीच का गैप रहता है एटलीस्ट। और अपना कोई भी नॉनवेज का प्रोडक्ट लेना, खासतौर से फिश, ठीक है ना, और कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी, सब चीजें अवॉइड करने की होती है। नींद का कम आना, ज्यादा आना, थोड़ी बहुत वीकनेस आना, चक्कर आना, ये सब नॉर्मल है। अगर ऐसा किसी को लगता है तो एक कप में शहद डाल के पी सकता है, ORS ले सकता है, एप्पल जूस या पोमन अनार का, टेट्रा पैक वाला नहीं, मशीन से निकलवा के।